सुप्रीम कोर्ट ने व्यापम कांड में सीबीआई इंक्वायरी का आदेश दिया है और सीबीआई इंक्वायरी की शुरुआत हो गई है। पर जो आज हम दस्तावेज रिलीज करने वाले हैं, जिसकी कॉपी आपको अभी ईमेल से जा रहा है, इससे ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि जब तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी अपने पद पर बैठे रहेंगे, तब तक एक निष्पक्ष जांच की गुंजाइश कम है। एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं स्किल इंडिया, और मध्य प्रदेश में हो रहा है किल इंडिया। 31 मार्च 2011 को श्री शिवराज सिंह चौहान, जो उस समय चिकित्सा शिक्षा मंत्री भी स्वयं थे, मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर भी थे, उन्होंने विधानसभा को एक जवाब में कहा कि कोई भी फर्जी उम्मीदवार व्यापम घोटाले में नहीं पाया गया। उनसे ये पूछा गया समिति के द्वारा, ये दिस वॉज ए क्वेश्चन नंबर 6954 आस्क्ड बाय लेजिस्लेटर, कि जांच समिति के द्वारा कितने फर्जी अभ्यर्थियों की पहचान की गई, उनके नाम पते सहित जानकारी उपलब्ध करवाएं, वे उन पर कब तक कार्यवाही की जाएगी। ये और उसका जवाब वो देते हैं, प्रश्न 6 के उत्तर में उल्लेखित समिति द्वारा आज दिनांक तक किसी भी फर्जी अभ्यर्थी की पहचान नहीं की गई है, अतः शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। ये जवाब 31 मार्च 2011 को विधानसभा में मुख्यमंत्री देते हैं और 19/11/2009 को, यानी लगभग उससे पौने दो साल पहले, व्यापम के अधिकारियों के द्वारा ही 41 फर्जी अभ्यर्थियों की, उम्मीदवारों की, को चिन्हित करके उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी गई। यानी मुख्यमंत्री सरेआम विधानसभा के पटल पर झूठ बोल रहे थे, बरगला रहे थे और बहका रहे थे। 12 जुलाई 2011 को एक और प्रश्न के जवाब में मुख्यमंत्री ने विधानसभा के पटल पर जवाब दिया और उसमें यह स्पष्ट कहा कि, एंड आई रीड टू यू, श्री शिवराज सिंह चौहान रिप्लाइड एज मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर एंड अगेन स्टेटेड दैट इंफॉर्मेशन वॉज बींग कलेक्टेड विद रिगार्ड टू फेक कैंडिडेट्स एज ऑल्सो कैंसिलेशन ऑफ देयर कैंडिडेचर एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर।